नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार शर्मा। जैसा कि मैं साधना के क्षेत्र में या योग के क्षेत्र में आपको बताता हूं, सांसारिक बातों की भी मैं आप लोगों को जानकारी दिया करता हूं। प्रिय मित्रों, साधना के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं होती हैं। मैंने कल बताया था कि कैसे आप ठगों से बच सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे रास्ते में होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो मित्रों, जो ये जैसे मोटरसाइकिल है या कोई कार चलाता है, कोई है ना ट्रक चलाता है, कोई कुछ चलाता है, रोज सुनते हैं कि अमुक जगह पर दुर्घटना हो गई और इतने लोग मारे गए, ऐसा होता रहता है। मित्रों, बात करेंगे, लेकिन आवश्यक सूचना ये कि भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बात पसंद आवे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। इसके लिए आपको बेल का आइकन भी दबा लेना पड़ेगा, ये जरूर कर लें। और साधना शिविरों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान में अभी अगला शिविर 18 और 19 जनवरी 2019 को कानपुर में होने जा रहा है, तो आप लोग तुरंत अपना पंजीकरण करवा लें, जिससे कि समय पर आपका स्थान सुरक्षित किया जा सके और आप आकर के यहाँ योग विज्ञान इत्यादि तंत्र ज्योतिष अध्यात्म की बातों को समझ सकें और सीख सकें, जिससे कि आपका जीवन आलोकित हो सके। मित्रों, आजकल बिना घर से निकले कोई काम होता ही नहीं है। कामकाजी व्यक्ति हैं, चाहे वो नौकरी करते हों या कोई बिजनेस करते हों, कुछ भी करते हों, तो सड़क पर ट्रैफिक बहुत ही बढ़ गया है। सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से, थोड़ी सी असावधानी होने से दिक्कत ये होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें आप घायल हो सकते हैं या फिर ईश्वर न करे, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग मारे गए हैं अभी तक। तो ऐसे समय में क्या करें? कुछ ऐसा उपाय है क्या शास्त्रों में, जिससे कि इस अकाल मृत्यु से बचा जा सके, इन एक्सीडेंट से बचा जा सके? तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये कि देखिए, अपनी गाड़ी का आप बिल्कुल फिट रखें, फिटनेस रखें, टायरों में पर्याप्त हवा हो, पुराने टायर ना हो, और इसके साथ में ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। यदि बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट जरूर लगावें। अपना DL रजिस्ट्रेशन, बीमा, यानी सब चीज़ से सुरक्षित रहें, जिससे कि कहीं पुलिस दिखाई दे तो आप गाड़ी दौड़ा करके सरपट भगावें ना, भगाएंगे एक्सीडेंट हो सकता है। और पुलिस का काम होता है आपकी तलाशी लेना, या पुलिस का काम होता है आपके कागजों की देखरेख करना, देखभाल करना, तो वो उसका काम है, उसको करने दें और उसमें सहयोग करें। जब आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको पुलिस से कोई भय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से भी आप एक दुर्घटना से बच सकते हैं। वरना एक दुर्घटना तो ये भी है कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो आपका चालान हो सकता है, आप कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंस सकते हैं, और कब तक फंसे रहेंगे ये कोई नहीं जानता। ऑन दी रोड अगर ऑन स्पॉट कहीं एक्सीडेंट होता है तो हाथ पैर भी टूट जाते हैं, कभी कभी तुरंत मृत्यु भी हो जाती है। ज्यादा बात को ना खींचते हुए यही कहूंगा कि हाँ, है एक उपाय है। एक तो उपाय ये है कि आप एक सुरक्षा चक्र होता है, जिसको सीख लें, शिविर में सिखाएंगे, उस सुरक्षा चक्र को नित्य प्रति घर से करके चला करें, जिससे कि आपका एक्सीडेंट होने का चांस ना बने। और दूसरी बात ये कि आप अपनी कार, ट्रक, बस या जो भी है आपका वाहन, मोटरसाइकिल, उसमें एक मारुति यंत्र स्थापित करें,
मारुति यंत्र भगवान हनुमान जी का यंत्र होता है और अगर वो गाड़ी में आपके स्थापित है, बंधा हुआ है, तो पवन पुत्र हनुमान जी आपकी गाड़ी की सुरक्षा जरूर करते हैं। और इस प्रकार से आपको एक अलौकिक दिव्य सुरक्षा जो अदृश्य होती है वो मिल जाती है श्री हनुमान जी की कृपा से। तो मारुति यंत्र को जरूर आप उसमें स्थापित करें। मेरा ये विचार है कि सबको अपने गाड़ी में मारुति यंत्र का स्थापन जरूर करना चाहिए। अब वो मारुति यंत्र प्राणस चैतन्य हो, ऊर्जान्वित हो और उसमें तेजस्विता होनी चाहिए और नित्य प्रति आप उसको अगरबत्ती या धूप दिखा सकते हैं, दीप दिखा सकते हैं, जिससे कि वो तेजस्वी बना रहे और आप उसका इस प्रकार से प्रयोग करके अपनी गाड़ी को और अपने को सुरक्षित बचा सकते हैं। दूसरा उपाय तो ये हो गया। तीसरा उपाय ये कि जैसे ही आप सुबह सुबह जागें, माँ पृथ्वी को प्रणाम करेंगे, माता सीता का नाम लेंगे, माता पृथ्वी का नाम लेंगे और पृथ्वीपति श्री राम जी का नाम लेंगे। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री देवी अर्थात माँ लक्ष्मी और दूसरी भू देवी। तो भू देवी को प्रणाम करके राम के नाम के साथ में आप 3 बार धरती के पैर छुएंगे और उठ जाएंगे। ये क्रिया करने से भी आपको अज्ञात शत्रुओं से, अज्ञात एक्सीडेंट से सुरक्षा मिलती है और ये आस्था की बात है। जो लोग आस्था करते हैं उनको ईश्वर निराश नहीं करता है। तीसरी बात ये कि जब मृत्यु आनी होगी तो मृत्यु आएगी, रोग आना होगा, आएगा, लेकिन ये उपाय करने वालों को क्षमादान मिलता है और अपमृत्यु का शिकार नहीं होते, असमय मृत्यु का शिकार नहीं होते, इतनी भयानक मृत्यु का शिकार नहीं होते। तो हर्ज क्या है, इनका प्रयोग किया जाए। मारुति यंत्र की स्थापना आप करवाएंगे तो किसी पंडित से भी प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं या आप स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं या हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से ही मंगवाओ, कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार से करके आप उस अकाल मृत्यु से अपने आप को बचाएंगे। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको ये बात आप बतावें और इस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित करें तो मार्ग की दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। चूंकि श्री हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी मारुति नंदन कहे जाते हैं और उनका वेग बहुत तेज है, तो ये जिम्मेदारी कलयुग में हनुमान जी को दी गई कि आप लोगों के भले के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए जो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व श्री हनुमान जी का है। जो भगवान श्री राम का नाम लेते हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व हनुमान जी का है। इसके पीछे एक कथा है, वो कथा यह है चित्ररथ गंधर्व की, जिसको दुर्वासा ने श्री राम से वचन लिया था, दुर्वासा ऋषि ने, कि सुबह इसका वध करोगे क्योंकि इसने मेरा अपमान किया है। उसमें जब उसको पता चला कि कल तो श्री राम मुझे मार ही देंगे,